बच्चों कक्षा दसवीं में आपके सिलेबस में है धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव इसकी खोज की थी ऑर्स्टेड नामक फिजिसिस्ट ने सन 1820 में। इसमें हम क्या करते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके नीचे रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप हो जाता है तथा विद्युत धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार हम देखें कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मीन्स जब हम किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आसपास कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र। ये होता है धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखो इसको हम टीचिंग एड की सहायता से कैसे एक्सप्लेन करें, तो देखिए इसके लिए एक हमने निम किल लिया है, इसमें हमने तांबे के तार लपेटे हैं। ठीक है, अब इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अभी देखिए ये जब हमने धारा प्रवाहित नहीं किया है ये क्या इसको अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं। इसका मतलब है इसमें क्या अभी चुंबकत्व का गुण आया है? नहीं। लेकिन देखिए जैसे ही मैं यहाँ से ये ऑन कर रही हूँ एलिमिनेटर, मैंने इसे यहाँ पर करीब ये 3 वोल्ट मैं सप्लाई कर रही हूँ, अब देखिए क्या हो रहा है, ये इसका क्या मतलब है? हाँ, मीन्स जब हम किसी चालक में से, क्योंकि ये तार जो है वो क्या है, चालक, चालक, इसमें से जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, अल्पिन को या अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार हम धारा के चुंबकीय प्रभाव को इस घटना से हम समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जैसे ही मैंने ऑफ किया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बंद हो गया, तब क्या होगा, क्या चुंबकीय प्रभाव बना रहेगा? नहीं। क्या होगा? छूट जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा थोड़े देर पश्चात, क्योंकि काफी देर तक ऑन था, लोहा है ये इसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ गया है ना, अब देखिए। ठीक है, तो ये आप ही आप क्या होता है, मीन्स इसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जैसे ही खत्म होती है ये क्या करता है, ये लोहे की यानी जो भी अल्पिन है इसको ये छोड़ता है, अभी भी है इसमें, है ना। ठीक है, और यहाँ से ही आप देख सकते हो